सचिन गुंडे, इनका सवाल ऐसा है कि इंसान मरने के बाद में उसके प्रेत को नहलाया जाता है और फिर उसके बाद में उसको जलाया जाता है, इसके पीछे कोई, इस प्रथा के पीछे कोई साइंस है क्या? अभी इसके पीछे कोई साइंस है कि यह प्रथा अच्छी है बुरी है, ये सोचते वक्त हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारी हर प्रथा में कोई ना कोई साइंस हमको मिलेगा, लेकिन वो साइंस उसके पीछे है इसलिए वो प्रथा है ऐसा नहीं है। हर चीज के पीछे कोई ना कोई साइंस तो होता ही है, लेकिन उस साइंस के लिए वो प्रथा हम अमल में नहीं लाते। अब कोई भी व्यक्ति मरने के बाद में उसको नहलाकर जलाया जाए या फिर न नहलाकर जलाया जाए, इससे कोई फर्क नहीं गिरने वाला है उस व्यक्ति के प्रेत के बारे में। हम जलाते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं, नहलाकर जलाओ बगैर नहलाकर जलाओ, इससे कोई फर्क नहीं गिरता है। अब हो सकता है कि व्यक्ति मरने के बाद में तुरंत जलाते हैं तो नो प्रॉब्लम, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनरली हमारे कुछ रिश्तेदार उनको आखिरी दर्शन लेना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, इसलिए हम उनको रखते हैं, शायद दिन भर रखना पड़ता है। दिन भर में उस प्रेत का सड़ना शुरू हो जाता है, उसको दुर्गंध आनी शुरू होती है। इस अवस्था में उसको नहलाए तो कीटाणु और बाकी सब चीज़ों का प्रादुर्भाव कम होगा, ये साइंस उसमें हम ढूंढ सकते हैं। लेकिन ये साइंस की आज के जमाने में क्या जरूरत है? आज के जमाने में आप डिसइंफेक्टेंट उस प्रेत पर छिड़क सकते हो, दुर्गंधी उसकी आने वाली है इसलिए उस पर अत्तर छिड़क सकते हो, दोनों चीजों से मुक्ति पा सकते हो, इसलिए नहलाने की आवश्यकता नहीं है। यानी साइंस कर नहलाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, साइकोलॉजिकली हमें अच्छा लगता है कि चलो आखिरी का प्रवास है इस व्यक्ति का, अब मरने के बाद में क्या प्रवास बचता है, लेकिन हमारी मान्यता है इसलिए हमने इसको नहलाना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनाना चाहिए और अच्छे अवस्था में उसको भेजना चाहिए। ये जो हमारी साइकोलॉजिकल आवश्यकता है, मान्यता है, इस कारण हम करते हैं, उसके पीछे साइंस ढूंढते बैठने में मतलब नहीं है। ये भावनात्मक केवल मुद्दा है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। एक बार इंसान मरने के बाद में आप उसको उसी ढंग से जलाओ, तुरंत जलाओ, एक दिन बाद जलाओ, उस प्रेत को, उस व्यक्ति को जो मरा है उसको कोई फर्क नहीं गिरता है। जो कुछ फर्क गिरता है वो हमें साइकोलॉजिकली गिरता है, ना ही उसके पीछे बीमारियों का कारण ढूंढने की आवश्यकता है। डिसइंफेक्टेंट आज के ज़माने में डाले जा सकते हैं, अत्तर छिड़का जा सकता है, इसलिए नहाने की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हम नहलाते हैं क्योंकि हमारे मानसिक समाधान के लिए अच्छे अवस्था में उसको भेजा जाए ऐसा हमको लगता है। तो एक साइकोलॉजिकल मुद्दा है, इसमें साइंस ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें, वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें, तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं, नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।